आपका हमारा चैनल सागर इलेक्ट्रिकल रिपेयर एंड वर्क में स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको पूरा प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। दोस्तों 50 इसका लेंटर है, इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा किस तरीके से लेंटर के पाइप डाले जाते हैं, कंसील बॉक्स लगाए जाते हैं और किस तरीके से पाइप हम मेन लाइन वगैरह किस तरीके से डालते हैं, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों अगर ये वीडियो लंबी होती है दोस्तों आप इसे पूरा बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने फैन बॉक्स इस तरीके से रखा है, मैं आपको नाप के दिखाता हूँ इसका सेंटर मैंने किस तरीके से बनाया है। ये जो हमारा पाइप है यहाँ पे, ये देखिए ये पाइप हमारी यानी कि नीचे से दीवार हमारी इस तरह का इस तरह ऊपर आएगी दीवार। मैंने आपको पाइप इसलिए रखा है ताकि आपको पता पड़ जाए कि ये हमारा दीवार का सेंटर है। इससे अगर हम इसे नापेंगे फैन बॉक्स को, इस दीवार को नापेंगे राइट साइड में, ये राइट साइड में, इन दोनों दीवारों का जब हम नाप लेंगे, मैं एक बार नाप लेता हूँ, आप देखिए ये देखिए हमने अपने दीवार के सेंटर से दोस्तों नापा है। उसके बाद हमारा जो फैन बॉक्स है यहाँ पे आ रहा हमारा 65, ये देखिए अब इस साइड से हमारा 65 आना चाहिए तो हमारा सेंटर दोस्तों एक्यूरेट हो जाएगा। ये देखिए फैन बॉक्स हमने इस तरीके से रखा है और ये देखिए दोस्तों हमारा 65 आ रहा है। ये देखिए जो हमारा सेंटर है इस दीवार से 65 आ रहा है, ये इसकी लंबाई हुई। अब मैं चौड़ाई का भी ऐसे करके दिखाता हूँ आपको। हमने सामने वाली दीवार से इसका सेंटर लिया है वहाँ से, तो ये जो है हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये देखिए 56 आएगा, ये दिखाता हूँ मैं अभी आपको, ये देखिए 56 आ रहा है ना। अब ये सेंटर में आपको दिखाता हूँ इस दीवार से हमारा, ये देखिए फैन बॉक्स तो हमने रखा है और ये देखिए आप, ये देखिए दोस्तों ये भी 56 आ रहा है। ये देखिए ये जो दीवार है नीचे ये यहाँ 56 आ रहा है। हमने इस तरीके से इसका मैं आपको बताऊंगा कंसील बॉक्स जिसमें हम अपनी सीलिंग लाइट लगाते हैं वो किस तरीके से लेंटर में लगाते हैं ये बताता हूँ मैं आपको। अगर हमारा दोस्तों कमरा छोटा होता है, मान लीजिए आप 12x12 कमरा है, तो उसके अंदर हम दीवार से जो नाप लेते हैं, ये जो हमारी दीवार है इस साइड से अगर हम नाप लेंगे तो इसे 1.5 फुट या 1 फुट 8 इंच इस तरीके से इसकी नपाई करते हैं। ये देखो मैं दिखाता हूँ इसका आपको, ये हमारी दीवार से मैंने नापा, ये आ रहा दोस्तों हमारा 1 फुट 8 इंच। ये देखिए आप इंजीटर में जहाँ मेरा अंगूठा है, 1 फुट 8 इंच, ठीक है रेड वाला है। और ये देखिए ये दीवार है ये वाली हमारी, ये दीवार है दोस्तों ये इधर से, ये देखिए ये भी 1 फुट 8 इंच है, ये देखिए पूरा, ये देखिए क्लियर। चलिए मैं आपको दूसरी वाली कंसील भी दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको चारों दिखाता हूँ मैं एक ही शॉट में। ये देखिए ये सेकंड कंसील है, मैंने सब दोस्तों नाप के रखे। देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों 1 फुट 8 इंच है। अभी देखो चारों कंसील दिखा देंगे मैं, आप कैमरामैन से बोलूँगा आप चारों कंसील दिखा दीजिए, आप देखिए ध्यान से। ये देखिए वो पाइप जो है दोस्तों वो हमारी दीवार है, ये वाली दीवार है हमारी, इसको हमने इससे नापा है 1.8 इंच है और इधर से दीवार से नापा है इधर से भी 1 फुट 8 इंच है। दोस्तों इस वीडियो में आपको इसलिए बना रहा हूँ, मुझे बनाने में इसमें बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि वीडियो लेंटर बनाना दोस्तों देख के भी चलना पड़ता है, कहीं गिर गिरा ना जाए, तो इसलिए आपको वीडियो ताकि आपको जानकारी मिल सके आप किस तरीके की वीडियो बनाते हैं। बाकी मैं आपको सारे कनेक्शन करके और MCD मेन लाइन हमने कहाँ उतारी है वो आपको दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो। दो कंसील बॉक्स हमने छज्जे में उतारे हैं यहाँ पे, एक ये राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। दोस्तों ये जो हमने फालतू पाइप छोड़ रखे हैं इसका ही मतलब बताऊंगा। और ये देखिए आपको दिख रहा होगा न्यूज़पेपर हमने लगा रखा है, इसका ही मतलब बताऊंगा। ये देखिए आप ये कंसील बॉक्स, पहले हम इसको मैं आपको बांधने का तरीका दिखाया था हूँ। ये दोस्तों एक ये लेंटर वायर जो होता है हमारा, इसी को कील नुकीली कील की सहायता से या पेंचकस की मदद से हम इसे इस तरीके से यहाँ पर बांध देंगे ताकि यहीं पर होल्ड हो जाइए, ताकि जब लेंटर से ये सैनिटरी वाले अपना काम करेंगे मज़दूर भागेंगे इस पर ताकि हमारा पाइप हिले ना और हमें वायर डालते समय कोई परेशानी ना हो इसके अंदर, इस तरीके से बांध देंगे और यहीं पे होल्ड हो जाएगा। ये देखिए इसका भी दोस्तों मेन न्यूज़पेपर लगाने का इसमें मेन रीज़न होता है ताकि जब दोस्तों इसके ऊपर रोड़ी बदरपुर का मसाला गिरेगा तो कोई भी हमारा जो ब्लॉक है ये बंद ना हो पाए। ये देखिए वैसे तो बंद होते हैं बट नीचे की तरफ कोई भी रोड़ी से बंद ना हो पाए ताकि जब ये लेंटर खुलेगा तो हमें किसी प्रकार की परेशानी ना हो और ये हमारा आसानी से
वायर डालने के लिए खुल जाए। मैं आपको मेन दिखाता हूँ ये कि हमने डाउन दीवारों पर किस तरीके से उतारी है। ये देखिए दोस्तों, ये फैन बॉक्स है हमारा। ये दोस्तों फैन बॉक्स है, यहाँ पे सारे कनेक्शन आते हैं मेन। इसकी मेन लाइन कहाँ उतारेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। और ये देखिए, जैसे ये पाइप आ रहा है हमारा, ये चारों दीवारों पे हमेशा दीवार में झिरी कोत के इस तरीके से डाउन उतारे हैं इसका। इसे बोलते हैं बैंड। ये हमने यहाँ लगा रखा है, ये देखिए। अब एक पूरा व्यू दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा आपको। आपको दोस्तों थोड़े से हमारे भाई भी काम करते हुए दिखेंगे, जो लोग काम कर रहे हैं। देखिए हुआ इस फैन बॉक्स से हमने आगे वाली कंसील को जॉइंट करा है। वो देखिए पाइप जा रहा है, ये देखो मेरे उंगली की सीध में, देखिए ये पाइप जा रहा है दोस्तों आगे। इस तरीके से एक फैन बॉक्स से दूसरे फैन बॉक्स को जोड़ा हमने, कंसील को जोड़ा है। अभी वहाँ पे जो फैन बॉक्स है जिसकी मैंने नपाई करके दिखाई थी उसे भी जुड़ेगा, और मेन लाइन कहाँ उतरेगी वो दिखाना बाकी है दोस्तों। फैन बॉक्स इस तरीके से बंद होता है जब हम पाइप लगाते हैं इसको। आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ से खोल लीजिए इन पेचों को, और ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब इसको ओपन करके हमने क्या करना है, इसके अंदर बनना है बदरपुर, ताकि जब ये लैंडर डल जाए इसके अंदर कई तरह का हमारा कंक्रीट या रोली वगैरह ना जाए, और जब ये लैंडर खुलेगा तो आसानी से खुल जाए। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का मेन ध्यान रखना, यही आपको ध्यान रखना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो दोस्तों, इसमें मैंने बदरपुर डालेंगे, और बदरपुर में थोड़ी देर में लेके आऊँगा। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ इसके अंदर कि हम इस बॉक्स को दूसरे की मेन लाइन कैसे मिलाते हैं और मेन लाइन कहाँ कैसे उतारते हैं। देखो दोस्तों, देखो ये देखो, हमने मैंने आपको इसका सेंटर वगैरह करना दिखाया था। ये पाइप हमने, ये देखिए, ये पाइप देखिए ध्यान से, ये वाला पाइप हमने मेन लिया है आगे मेन लाइन उतारने के लिए। ये देखिए दीवार पर उतार रखा हमने डाउन। चलिए मैं धीरे धीरे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ये पाइप है ये हमारा यहाँ पर छट जाए। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने कंसील में जोड़ दिया और कंसील से पाइप चला गया आगे, डाउन उतार दिया। ये देखिए ये डाउन उतर गया। अभी दोस्तों दूसरे कमरे का फैन बॉक्स है हमारा, इस तरीके से दीवार में गड्ढा खोद के हम डाउन उतार देते हैं इसे। ये है दोस्तों हमारा दूसरा फैन बॉक्स, ये वाला जो फैन बॉक्स है दोस्तों। अब इसके कनेक्शन इन सबके हमें तीनों फैन बॉक्स हो गए, तीन फैन बॉक्स लगाए हमने 50 गज के लेंटर में। तीनों के फैन बॉक्स हो गए कनेक्शन हमें एक MC बॉक्स में देने हैं, तो उनके दिखाऊंगा हमने पाइप किस तरीके से लिए हैं। पहले हमें नीचे ही देखना पड़ता है फैन बॉक्स, वो MC बॉक्स किस तरफ उतारना है, उसी तरफ हमें पाइप ले जाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये वाला पाइप हमने लिया यहाँ से, ये वाला पाइप लेके हमने इस वाले फैन बॉक्स में मिला दिया। और ये देखिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको दूर से, वो वाले फैन बॉक्स जो फर्स्ट वाला था, वो देखिए, ये जो इस फैन बॉक्स का ये वाला पाइप है दोस्तों, ये देखिए मेरी उंगली के साथ साथ देखिए, ये फैन बॉक्स हमने MC बॉक्स इसका यहाँ रखा है, ये देखिए मेरी उंगली की सीध में। अब आपको मैं दिखाता हूँ, हमने तीनों पाइप को डाउन यहाँ पर उतार रखे हैं, नीचे हमारा MC बॉक्स लगेगा। ये देखिए दोस्तों, तीनों के डाउन हमने यहाँ उतार रखे हैं। एक आध पाइप आप एक्स्ट्रा लेके चलना, कभी कोई पाइप लेंटर में दब जाता है तो उससे हमारा एक मेन लाइन का कनेक्शन पाइप पर खुला रहता है। एक हमने छज्जा कंसील बॉक्स लगाया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे इस तरीके मैंने आपको बांधने का तरीका। चलिए दोस्तों, बदरपुर ले आया हूँ मैं, अब इसमें बदरपुर भर देते हैं। तो बदरपुर दोस्तों, ये मेन ये सावधानी में आती है चीज़ें, क्योंकि अगर ये चीज़ मिस हो गई ना तो इससे हम बहुत प्रॉब्लम पड़ जाते हैं। क्योंकि अगर कॉन्क्रीट इसके अंदर जब वाइब्रेटर चलता है लेंटर में, तो इससे क्या होता है हमारे ऐसे इनमें कॉन्क्रीट भर जाता है, फिर हमारे पाइप ब्लॉक हो जाते हैं। इसलिए इस काम को दोस्तों सबसे ध्यान से करें और सावधानी पूर्वक करें। बदरपुर से फैन बॉक्स को अच्छी तरह फुल कर दें, और इस कवर को, जैसे ये देखिए मैंने पूरा ऐसा कवर कर दिया है, ये देखिए अच्छी तरह भरने के बाद इस कवर को वापस इस तरीके से लगा दें, ताकि इसके बाद इसमें कॉन्क्रीट जाने की जगह बिल्कुल ना बचे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से मैं तीनों फैन बॉक्स कवर कर दूँगा। उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ, उसके नीचे कागज़ लगाते हैं हम कैंसिल बॉक्स के नीचे, वो भी किस लिए लगाते हैं। अब मैं इसके अंदर आपको बेसिक चीज़ें बताने जाऊँगा। हर चीज़ का कुछ बेसिक होता है, कुछ मेथड होता है, और कुछ हर चीज़ के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। मैं इनके लेंटर के आपको वही चीज़ बताऊंगा, बाकी लेंटर के पाइप डालना बहुत ही आसान है। सेंटर आप किसी भी चारों कोने का सेंटर में डालें, और फिर नीचे से आप देखें हमेशा कि हमारी रसोई किधर आ रही है, या शाफ्ट किधर है, या डाइनिंग किधर है, उस हिसाब से दीवारों को नाप के उस हिसाब से सेंटर निकलता है। ठीक है दोस्तों, आई रिपीट, नीचे का सेंटर पहले आप देख लें, रसोई किचन वगैरह आपकी डाइनिंग हॉल किस आ रहा है उसका नाप के उसके बाद होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेन मेन बेसिक चीज़ क्या होती है। चलिए आप पहले कंसील पर फोकस कीजिए। ये देखो दोस्तों, इस पाइप को हमारा यहाँ निकालने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन इसको इसलिए निकाला जाता है जब लैंडर डलता है दोस्तों उसके ऊपर, जब कंक्रीट पड़ता है तो जब इसके ऊपर मजदूर भागते हैं तो ये कंसील हमारी हिले ना, इसलिए हम थोड़ा सा पाइप एक्स्ट्रा निकाल देते हैं और इस पाइप को ऐसे अखबार से ब्लॉक कर देते हैं। ये देखिए, ये दोस्तों इसकी बेसिक चीज़ हो जाती है, जिससे कि हमारे को बाद में लैंडर खोलने का कोई परेशानी ना हो। ये देखिए, मैंने इसी तरीके से यहाँ भी कवर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा पॉइंट, हमने कंसील से थोड़ा पाइप एक्स्ट्रा निकाल रखा है। ये दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये दोबारा दिखाइए,
कि इस जगह से लेके और इस जगह तक एक्स्ट्रा पाइप है ताकि हमारा कंसील बॉक्स हिले ना। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद बचता है दोस्तों हमारा फैन बॉक्स, वो मैंने आपको दिखाई दिया कि बदरपुर से हमने इसे कवर कर दिया है। ये बदरपुर से हमारा कवर हो चुका है। और दोस्तों तीसरा मेन पॉइंट है, जब भी आप फैन बॉक्स लगाते हैं यहाँ से लैंटर वायर से इसे अच्छी तरह कवर कर दें। वही दोस्तों आई रिपीट, जिस टाइम कॉन्क्रीट डालेगा उस टाइम, ताकि हमारा फैन बॉक्स सेंटर आउट ना हो, हिले ना 19-20 भी। ठीक है दोस्तों, यही मेन पॉइंट होते हैं। सारी लाइनों को आपको मैं दिखाता हूँ, पूरा लैंटर एक बारी, और उसकी मेन लाइन हमने कहाँ उतारी है। चलिए जल्दी जल्दी आप दिखा दीजिए हमारे व्यूअर को। ये देखिए, पहले हम छज्जे पे थे, अब ये इधर ये हॉल है, हॉल में हमने कंसील दिए। अब चलिए आप आगे, ये देखिए हमारा तीसरा फैन बॉक्स, दूसरा फैन बॉक्स है दोस्तों। ये कमरे का है, 50 का लैंटर दोस्तों कमरे का। एक फैन बॉक्स हमने दिया है लेफ्ट साइड में, ये दिखाता हूँ मैं आपको कि मेन लाइन जा रही है पाइप के आगे बिल्कुल, ये बिल्कुल मेरी उंगली के आगे देखिए ये फैन बॉक्स, ये आगे थर्ड फैन बॉक्स। अब इन सबको हमने मेन बॉक्स, मेन एमसी बॉक्स जो बनाया, ये देखिए आप इधर लाइए आगे सामने, ये देखिए आप ये तीनों, ये दोस्तों ये भी फोर्थ पॉइंट है, मेन पॉइंट है। ये हमने जो पाइप निकाला एक्स्ट्रा, एक्सटर्नल पाइप बोलते हैं इसे। ये इसलिए होता है दोस्तों लेंटर में, जब हम छत पे फोर्थ मंजिल अपनी बनाएंगे, थर्ड फ्लोर पे हम फोर्थ मंजिल जब हम बनाएंगे तो उसके लिए हमें पाइप चाहिए होता है। आप लेंटर को तो तोड़ोगे नहीं, उस कंडीशन में अगर आप लेंटर को तोड़ोगे तो बहुत खर्चा आता है, फिर किसी भी लेबर का जो भी मैन पावर का इस्तेमाल होगा वो आपके लिए। तो इसी में क्या होता है, हम एक पाइप ऐसा एक्स्ट्रा उसी पॉइंट में निकाल देते हैं ताकि मेन लाइन हमारी छत पर भी आ सके। ठीक है दोस्तों, ये मेन पॉइंट होते हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप, मैं आशा करता हूँ कि इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।